Uai! मैं सोच रहा था कि खाने का और नॉस्टैल्जिया का चक्कर जो है ना बड़ा पुराना है, राइट? आई मीन एवरी टाइम यू ईट समथिंग तो लगता है यार वैसा नहीं है, और वैसे ही दाल कभी भी खाओ बोले यार वो ढाबे जैसी दाल फ्राई नहीं बनती, राइट? मतलब इट्स स्टक इन आर हेड्स। तो वैसे मेरे दिमाग में भी अटकी हुई है ढाबे वाली दाल फ्राई, मैं अपने दिमाग से निकालता हूँ, आप रेसिपी निकाल लो मेरे दिमाग से, ठीक है? कॉलिंग एंड एक्शन। अब ये भी है ना कि भाई ये तड़का हमेशा दाल के साथ क्यों जाता है? इसके दो कारण। पहला कारण है मेडिसिनल, राइट? दाल हाई प्रोटीन होती है, बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं शरीर के ऊपर, जिसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिंस होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तड़के से आते हैं। दूसरा, फैट बहुत ज़रूरी है, अच्छा फैट बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, वो तड़के से आता है। तो दो दाल डालूंगा मैं, एक तो तूर भिगोई हुई है मैंने, और मूंग बिल्कुल थोड़ी सी, ओनली 1/5 मूंग। और मूंग सिर्फ इसलिए कि तूर दाल जो है वो कई बार तूर अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, मूंग में एक लेस होता है, राइट? मूंग गिव्स अ थिकनेस, सो आई एम ओनली गोना ऐड मूंग फॉर द थिकनेस। कुछ लोग जो है वो चना भी ऐड करते हैं, कर सकते हैं, बट मूंग एड्स अ डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर। अभी इसी दाल के अंदर से बारीक काट के थोड़ा सा अदरक, नमक बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा नहीं, बाकी बाद में डालेंगे। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए, ग्रीन चिली एंड लीव इट देयर। पानी, अब दाल क्योंकि भीगी हुई है तो पानी जो है थोड़ा कम पड़ेगा अगर दाल वैसे लेते। द ब्यूटी ऑफ अ दाल फ्राई इज ना कि दाल जो है वो अपने आप में हल्की होनी चाहिए, और जो हैवीनेस है वो बटर से, घी से और ऊपर के तड़के से आना चाहिए। मूंग मसूर तूर, मूंगी मसर और तूर, दीज आर लाइट लेंटिल्स, तो दे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द तड़का मच बेटर, ठीक है? जब तक दाल को कितनी सीटी मारूं? 3 मार लेते। ये जो तड़के का फंडा है ना, इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक, एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं कि डिश के साथ हम सबसे पहले मुखातिब तब होते हैं जब हम डिश को देखते हैं, डिश के साथ हम सबसे पहले मुखातिब तब होते हैं जब हम डिश को सूंघते हैं, और जैसे ही तड़का लगता है पूरा घर जो है वो सूंघ लेता है कि एक टेस्टी डिश बनने वाली है। दैट द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द डिश, एंड तड़का मेक्स यू सैलिवेट, तड़का जो है वो आपको तैयार कर देता है साइंटिफिकली खाना खाने के लिए। दैट इज वॉट तड़का डज टू यू इवन बिफोर यू सी द डिश। तो ये पहले तड़के की तैयारी, ठीक है? वो इनविजिबल तड़का है, दिखता नहीं किसी को। थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन, आई ना खुशबू, खुशबू। मेरे पास शेफ्स जो है वो ट्रायल के लिए आते थे ना, मैं दो चीज़ें बनाता था, एक तो सूखे आलू और दूसरा दाल फ्राई। ये सिंपल सी चीज़ है, सबको लगता है क्या दाल फ्राई तो है, लेकिन इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। दाल फ्राई अग्रीस। कितनी सीटियां हो गई, कोई गिन रहा है? गिन रहा है? अभी तो जो इतनी जल्दी जल्दी बच जाती है ना सीटी, उसमें भी टेंशन हो जाती है मेरे को, इतनी जल्दी कैसे बच गई सीटी। कुकर इज नॉट माई थिंग, क्लियरली क्लियरली हो गई, मजाक कर रहा हूँ, इतना तो खुशबू से पता लगी।
थोड़ा हल्के हाथ से घोटता हूँ, इसको ज़्यादा नहीं घोटूंगा, बस थोड़ा दाना आना चाहिए, एकदम घुटी घुटी दाल तो फिर सूप हो जाती है ना। तो इस स्टेज पे जो है ना वो दाल पड़ी होती है ढाबे में, ये वाली स्टेज पे, जहाँ पे ऑलरेडी उसके अंदर प्याज और बेसिक मसाले का फ्लेवर होता है। और इस स्टेज के बाद फिर जब डबल तड़का लगता है ना, तब आदमी कहते हैं ओए होए होए मज़ा आ गया। पहले नमक हमने कम डाला था, कम इसलिए डाला था कि अगर नमक ज़्यादा डाल दो ना तो एक तो दाल का दाना ज़्यादा रह जाता है, नमक जो है वो बराबर से गलने नहीं देता दाल को, इसलिए फर्स्ट बॉयल में हमेशा नमक कम, दाल गल जाए फिर डालते रहो नमक, ठीक है जी। वेरी नाइस। जो लेंटिल्स होते हैं ना, दालें होती हैं वो खुश्क होती हैं, उनको पैलेटेबल बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए चिकनाहट बहुत ज़रूरी होती है, और वो फिर घी के जरिए तड़के में आती है। सो इट्स ऑल सॉर्ट आउट एंड साइंटिफिक, इट्स ऑल एंशिएंट विजडम, सब पुराने लोगों की पुरानी चीज़ें हैं जो आज तक काम कर रही हैं और कल भी काम करेंगे, बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी विल नेवर चेंज। भाई घी तो ज़रूरी है ना अगर तड़का लगाना है। पंजाबी घरों में क्या होता है, बोलते यार कुछ लाइट सा खाने का मन है, आज मूंगी मसरों की दाल खा लेते, दाल बन जाती है लाइट, उसके बाद ऐसे निकलता है घी, उसमें लगता है तड़का, और सारा लाइट का लाइट और हैवी का हैवी हो जाता है भाई। नीचे धनिया, बिकॉज रणवीर बाजार की गाड़ी बगैर धनिया के चल नहीं सकती। हींग, कश्मीरी मिर्च, एंड वी गुड टू गो। ब्यूटिफुल। याद आ गई ढाबे वाली दाल फ्राई, तो अब याद से सब्सक्राइब कर दो यार।